हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आप सब बढ़िया हैं? चलिए ठीक है। आज 4 मई लॉकडाउन 3 स्टार्ट है ना। 17 दिन का इंतजार और कर लीजिए बस। उम्मीद तो यही है कि ये आखिरी लॉकडाउन होना चाहिए हमारे पास। देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। लेकिन अभी तो हम पढ़ते हैं क्या, फिजिक्स, ठीक है। चलिए फिजिक्स में इससे पहले जो दो तीन लेक्चर जो बनाए गए हैं इससे पहले उसमें हमने आपको डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बताया था कि डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करी जाती हैं और डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या है, ये हमने आपको उसमें बताया था, ठीक है। उससे पहले कुछ चीजें और बताई थी उसी में, तो वो जो वीडियो वाला नहीं देखा है आप लोगों ने तो सबसे पहले वो वाला वीडियो आप लोग देखिए, ठीक है, तब समझ में आएगा कि डायमेंशन कैसे निकाली जाती है। उसके बाद हमने इसका टेस्ट लिया था, ठीक है, और एक टेस्ट है और टेस्ट पेपर आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिएगा कि पेपर दिया था और कुछ बच्चों को उस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी तो वो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन थे उसके अंदर उसको सॉल्व कर लेते हैं हम। उसके बाद आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन थे जिसमें दिक्कत आ रही थी लोगों को, जैसे पहला क्वेश्चन था, पेपर हमारे पास है, पहला क्वेश्चन ये था फिजिक्स का, पहला टेस्ट हुआ था टेस्ट वन फिजिक्स का, इसका क्वेश्चन नंबर वन था। ये पता था कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, कुछ क्वांटिटीज दे रखी थी जिसमें आपको उसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना था, ठीक है। पहला प्रेशर था, तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फार्मूला ये होता है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एमएलटी माइनस टू, और एरिया क्या होती है, एल टू, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो जाएगी डायमेंशन इसकी प्रेशर की। दूसरी क्या थी, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, दूसरी थी इम्पल्स, इम्पल्स आई से डोट करते हैं इम्पल्स को। इससे देखो इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, एम टू वी। तो मास की क्या हो जाएगी, किलोग्राम यूनिट, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, देखो किलोग्राम की एम, एम टी एल, और ये ऊपर जाएगा तो टी माइनस वन, तो एम एल टी माइनस वन हो जाएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद तीसरा था आपके पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, इसकी वैल्यू आपको निकालना था। तो एक फॉर्मूला आपको पता है कि एफ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, आर की क्या होती है, मीटर, मीटर का मतलब एल की पावर टू, और देखो किलोग्राम में भी, किलोग्राम में भी, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, किलोग्राम का मतलब एम की पावर टू। एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, एक एम ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम माइनस वन, देखो एल और एल मिलकर क्या हो जाएगा, एल थ्री और पी माइनस टू। तो ये हो जाएगी डायमेंशन किसकी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। एक बहुत दिक्कत सब लोग कर रहे थे, ये चौथा था आपके पास में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी आपको डायमेंशन निकालनी थी। तो उसकी भी डायमेंशन निकालना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला पहले समझ लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा जिसको नहीं समझ में आया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है आपके पास में, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये आपके पास में था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कांस्टेंट इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, इसकी डायमेंशन निकालनी थी क्या है। देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फार्मूला होता है हमारे पास 3/2 इंटू के इंटू टी, ठीक है, ये फार्मूला होता है जहां पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। एक तो फार्मूला यहां से निकल सकता है, दूसरा फार्मूला जो आपके पास में आइडियल गैस इक्वेशन होती थी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो यहां पर आप के बी टी करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है। तो चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, दो डायमेंशन इसकी आ जाएगी, बस यहाँ पर फर्क ये रहेगा कि यहाँ नंबर ऑफ मोल है, यहाँ नंबर ऑफ मोल नहीं है, बाकी सब सेम है। अब काइनेटिक एनर्जी है तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर 3/2 कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू, और टेम्परेचर की क्या होती है, थीटा, ठीक है। ये तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल टू टी माइनस टू, और ये थीटा ऊपर जाएगी तो थीटा माइनस वन, तो ये क्या है, ये हो जाएगी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की हो जाएगी, ठीक है। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन है। इसके बाद आपके पास में गैस कांस्टेंट का था, तो गैस कांस्टेंट की डायमेंशन आपको यहां से निकाल लेते हैं, गैस कांस्टेंट की पीवी इक्वल टू एनआरटी से, ठीक है, क्योंकि पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन आपके पास में नंबर ऑफ मोल है, आर गैस कांस्टेंट है, और टी क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, गैस कांस्टेंट की डायमेंशन बता सकते हैं, ठीक है, ये आपको निकालना आता है। चलिए एक क्वेश्चन में और प्रॉब्लम थी, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था,
ये सब समझ लीजिए, जल्दी जल्दी करके बता रहे हैं पेपर में, आप पेपर में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा जिनके पास पेपर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था कि द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम वेरीज विद वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट एज म्यू इज इक्वल्स टू, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की क्वेश्चन दे रखी थी, म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा था, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, यहाँ पर ए बी क्या था कॉन्स्टेंट था, और आपको इसी की डायमेंशन क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, और इसके साई यूनिट भी निकालनी थी। अच्छा म्यू यहां पर क्या था, म्यू हमारे पास था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू हमारे पास था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लैम्डा क्या थी वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ थी। अच्छा आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो देखो ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, तो क्या म्यू की कोई डायमेंशन होती है, नहीं होती है, म्यू डायमेंशन लेस होता है, मतलब एम जीरो एल जीरो पी जीरो, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो हमने क्या कहा था, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ाई थी आपको, उसमें यह बताया था कि अगर जो एलएचएस की डायमेंशन होती है वही आरएचएस की डायमेंशन होती है, और दूसरी यह बताया था होमोजेनिटी में कि ये दोनों तभी एड हो पाएंगे जब दोनों की डायमेंशन क्या हो सेम हो, ठीक है। तो पहले हमने क्या कहा था, जो डायमेंशन म्यू की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, ए की होगी, तो अगर म्यू डायमेंशन लेस है तो ए भी क्या होगा डायमेंशन लेस होगा, मतलब इसकी भी डायमेंशन क्या होगी एम जीरो एल जीरो टी जीरो, या तो हम ये ले सकते हैं कि इसके नो डायमेंशन, ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है, ए की कोई डायमेंशन नहीं होगी। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता था कि ये दोनों तभी एड होंगे या कोई चीज तभी सब्सट्रैक्ट होती है जब दोनों की डायमेंशन क्या हो सेम हो, मतलब ए की डायमेंशन अगर बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर के बराबर है तभी ये क्या होगी इक्वल होंगे, अदरवाइज तभी ये दोनों जुड़ सकते हैं, नहीं तो ऐड नहीं होंगे। तो देखो ए तो आपके पास में क्या थी, ए डायमेंशनलेस थी, तो ये बी बराबर कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, तो बी इक्वल टू कितना, क्योंकि वेवलेंथ है, वेवलेंथ हमेशा क्या है ना मीटर की जाती है मीटर में, तो बी की कितनी हो जाएगी एल की पावर टू, तो ये बी की डायमेंशन और ये ए की, तो ए की कोई डायमेंशन है तो इस वजह से इसकी कोई यूनिट भी नहीं होगी, और इसकी एल स्क्वायर की, तो इसकी साइड यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, मतलब ये एरिया की बात कर रहा है, ठीक। चलिए ये देख लीजिएगा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये दिया गया था कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट इट इन किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दे रखी थी, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दे रखी थी 332 मीटर पर सेकेंड, और आपको बदलना इसको कहे में था किलोमीटर पर आवर में, ठीक, मतलब सीधे सीधे आपको ये कह रहा था कि आपको ये बताना था कि 332 मीटर पर सेकेंड में हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ आवर, ठीक है, इसमें कितने किलोमीटर ऑफ आवर होते हैं, ठीक, तो उसमें वाला फॉर्मूला अपना लगाएंगे। देखो ये n1 आपको दिया था, n2 की वैल्यू आपको क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी, वेलोसिटी की बात कर रहा था तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस वन मीटर पर सेकेंड, तो एल टी माइनस वन हो जाएगी इसकी, तो इसको एल वन मान लो, इसको टी वन मान लो, और इधर भी इसी तरह हो जाएगी एल टी माइनस वन, तो इसकी एल टू हो जाएगी, इसकी पी टू हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर हो गया या मीटर पर सेकेंड हो गया, डायमेंशन तो सब एक ही है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता था, एन टू इज इक्वल टू एन वन एम वन अपॉन एम टू इसकी पावर ए इंटू एल वन अपॉन एल टू की पावर बी, और टी वन अपॉन टी टू की पावर क्या थी सी, ये हमारे पास था फॉर्मूला, एन टू आपको निकालना था, एन वन आपको दिया था कितना 332, अच्छा एम वन तो इसमें दिया नहीं था डायमेंशन में, तो इसको लिखो चाहे ना लिखो, तो हम सीधे एल वन वाला लिखते हैं, ये एल वन हो जाएगा अपॉन में एल टू, और इसकी पावर कितना बी, और एल वन की पावर यहाँ कितना दिया है वन, उसी तरीके से टी वन बाय टी टू कर लें, टी वन बाय टी टू, और टी की पावर कितना दिया है माइनस वन, तो यहाँ पर क्या लगा लें माइनस वन, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 332, अब एल वन कहे में दिया, देखो एल वन कहे में दिया मीटर में दिया है, एल वन दिया कहे में मीटर में, और निकालना कहे में है किलोमीटर में, ठीक है, इसकी पावर वन, टी वन कहे में दिया है आपको सेकंड में, और निकालना कहे में है आर्स में, इसकी पावर कितना माइनस वन, ठीक, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, तो 332 ये हो जाएगा आपके पास में। अच्छा मीटर को आपको किलोमीटर में बदलना है, तो एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं 1/1000, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, ये हो जाएगा ऊपर, ये पूरा किलोमीटर हो जाएगा ये, और नीचे का किलोमीटर ये हो गया आपके पास में, और इसी तरह से ये सेकंड था, नीचे क्या था आर्स था, हाँ, तो ये हो गया 332। बीच में वीडियो पॉज करना पड़ता है ना, कि बहुत सारे यहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह निकला करते, सारे दिन का चला करते हैं,
ये क्या हो जाएगा 332 किलोमीटर, ये आपके पास में हो जाएगा और ये किलोमीटर नीचे 1000 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये सेकंड है, नीचे क्या है आर्स है, तो आपको सेकंड को ही आर्स में बदलना था। तो देखो एक सेकंड में कितने आर्स होते हैं, एक सेकंड में कितने आर्स होते हैं, देखो एक सेकंड में होते हैं आपके पास में, क्योंकि 1/60 करना पड़ता है, 1/60 करना पड़ता है आर्स को कन्वर्ट करने के लिए, तो मिनट में बदलने के लिए। तो सेकंड में कितने जाएंगे 3600, ये हो जाएगा इसकी पावर माइनस वन। अब आपको इसको केवल सॉल्व करना था, तो ये 332 है, अब ये तो 1/1000 था ही इस तरीके से, अब ये माइनस वन है तो ये चीज कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी 3600। अब उठा करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जितना आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपको। चलिए एक उसके बाद तो आपके पास में फॉर्मूला डिराइव करना था फ्रीक्वेंसी वाला, वो तो हो गया होगा बकिंघम पाई थ्योरम से, उसमें किसी को कोई दिक्कत भी नहीं थी। और एक लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी थी, इसकी आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी थी लास्ट क्वेश्चन में 1/2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी थी, इसको परमिटिविटी कहा जाता है, परमिटिविटी, और जो ई था ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको इनकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी थी। देखो एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का 1/4πε0Q1Q2/r2। ठीक है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट का, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकल आएगी, मतलब एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा Q1Q2/fr2। ये 1/4π क्या है, कांस्टेंट है, तो उसकी डायमेंशन होगी तो लिखेंगे नहीं। Q बराबर क्या होता है I×T, तो ये देखो दो I×T है, तो I की तो होती है a, तो a²P² लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और फोर्स की क्या होती है MLP-2 होती है इसकी, और आर की भी क्या हो जाएगी L^2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो एप्सिलॉन नॉट की निकल आएगी। अब E की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है F/Q0। ठीक है, अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है MLP-2, और Q की क्या हो जाएगी आपके पास में IT, मतलब A×T, तो ये इसको यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा ML, और ये T ऊपर जाएगा तो -1, तो T-3 हो जाएगा और A-1, तो ये आपकी निकल आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, ये आपके पास में E की निकल आएगी यहां से। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा कि यहां पर E स्क्वायर आपको रखना है, तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। E स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा M²L²T^-6 और A-2। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, आपको E स्क्वायर भी करना होगा। आपको इसकी डायमेंशन यहां रखिएगा, यहां से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन जो आएगी लिख लीजिएगा, और फाइनल आप डायमेंशन फाइंड आउट करके लिख लीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है, तो ये था टेस्ट पेपर आपका। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट।